कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 नंबर है कि एक नहर के एक तट पर, जैसे मान लो ये नहर हो गया, ये वाला जो बीडी है ना, एक नहर है, बीडी एक नहर है, ठीक है। कह रहा है कि नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, देखो ये टीवी है, ये भी जो है ना ये टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 है। चलो यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो इसका ओनियन कोण कितना होता है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जा रहे हैं, देखो अभी 60 है ना, यहाँ से 20 मीटर आप दूर जा रहे हैं 20 मीटर, तो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का कोण 30 डिग्री होता है। देखो 30 डिग्री हो गया, तो आकृति भी दिखा रहा है आपको कि 9.12, देखिए टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई कितनी होगी, और फिर क्या करें नहर की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है कितना होगा ये आपको बताना है। ये तट है, ठीक है, ये इसकी बीसी का मान आपको क्या करना है बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। पहले क्या करेंगे, ये एच मान लेंगे, ये एक्स मान, देखो किसका किसका मान निकालना है आपको। ये क्या है, ये क्या है जानते हैं, टावर है, टावर, टावर ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई कितना मान लेंगे एच, और ये जो नहर की चौड़ाई है, नहर तो नहर तो बीसी है ना की चौड़ाई कितना मान लेंगे एक्स। आपके पास डबल त्रिभुज दिखाई दे रहा, एक आपका ए है, सी बी है, और क्या है सी, ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कितना लेंगे 10 60, तो लंब तो एच हो जाएगा, आधार कितना आ गया एक्स, 10 60 के मान कर लेंगे 3, एच बटा एक्स गुणा कर दो तो कर लेंगे 3x बराबर एच, समीकरण नंबर ऐसा लग सकते हैं, तो एक्स का मान निकल जाएगा। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, अगर सीख गया तो त्रिभुज लेना, तो त्रिभुज कौन लेंगे, इधर लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो 10 क्या लेंगे 30 लेंगे ना, तो 10 30 लिख लीजिए, लंब हो जाएगा एच, आधार का हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 10 30 के मान एक बड़ा करने में 3, एच बटा 20 प्लस एक्स गुणा कर दो तो 20 प्लस एक्स बराबर करने में 3 एच। तो सुनो यहाँ पर 20 प्लस एक्स को सही रखो, जहाँ जहाँ करने में 3 है और जहाँ एच है, एच के बराबर करने में 3 एक्स, देख रहे हो रख दोगे ना, क्योंकि दिया है कि एच के बराबर आप करने में 3 एक्स रख सकते हैं। अब देखो 20 प्लस एक्स बराबर गुणा करोगे 3 एक्स, और 20 बराबर 3 एक्स यानी हो जाएगा -x, 20 बराबर 2x, और 20 बटा 2 बराबर x काट दोगे 10 बार में, एक्स बराबर 10 मीटर आंसर। ये तब इन एक्स का अगर एच भी तो निकालना है, तो आ जाओ ऊपर आ जाते हैं समीकरण एक से, समीकरण जैसे आपका 10 आया है ना, तो 10 समीकरण एक में क्या कर देंगे रखेंगे, तो एक में रखेंगे तो कली में 3, जहाँ एक से 10 रखा गया बराबर एच, तो यह सब हो जाएगा 10 कली में 3 मीटर आंसर बन गया, समझ गए ना। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सवाल था, एक खंबा है, देख लो एक बार बता देते हैं, एक माने आपके पास खंबा या टावर जिसकी ऊंचाई आपको निकालना है, ये चित्र पहले से बनाया है, इसका मान 20 दे दिया है, इसका एक्स जब पूरा लेंगे तो 20 प्लस एक्स होगा, इसे लिखा गया है आपका 20 प्लस एक्स, और लंबा आपका एच रहेगा, उसके बाद सब हल कर सकते हो जाएगा।